बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जो बेहयाई बेगैरती का कल्चर हमारे यहाँ इस दज्जाली मीडिया के चंद चेले चमचू, इस दज्जाली मीडिया के रखेलों ने इंट्रोड्यूस करवाया है, आने वाले वक्त में यूँ मालूम होता है कि शायद बेगैरतियाँ सरेआम होंगी, रोकने वाला कोई ना होगा। क्योंकि आज अगर इन लोगों को रोकने के लिए हम ही बात करते हैं तो हमारे खिलाफ ही आवाज़ें बुलंद होती हैं। तो एंड तक देखिएगा आज की वीडियो को। उससे पहले आप सुख सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलिएगा। तो होना ये चाहिए था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी करने वालियों के एजेंडे पर चलने वाले इस दज्जाली मीडिया के हर चेले चमचे, हर बेगैरत इंसान को लगाम डालने के लिए ये आवाम बोलती, एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाती, कैमरा इस पर एक्शन लेता या कम अज़ कम हुक्मरान गैरत का निवाला लेते। मगर यहाँ पर तो गैरत नाम की चीज़ नहीं रही। अवाम भी बुराई देखकर आंखें बंद कर लेती है, यूँ समझती है कि शायद ये सिर्फ मीडिया में बुराई मौजूद है। इन्हें नहीं मालूम कि घरों में यही गंदगियाँ पहुँच चुकी हैं। अब इस बेगैरती को नॉर्मल समझा जाता है। गले लगाकर किसी को मिलना एक नॉर्मल सी बात है, हालांकि इस तरह के ताल्लुकात गैर महरम से बनाना दूर की बात, सिर्फ देखना भी हराम है। खैर, हमारा काम था अब तक बात पहुंचाना, आगे आप इसे किस अंदाज में लेते हैं। हम बारहा इस सवाम की तरफ से तनकीद बर्दाश्त करते हैं, अगर भली लगे तो प्लीज़ शेयर लाजमी कीजिएगा। आज के दौर में साफ और सच्चाई वाली, हक वाली बात करना यकीनन मुश्किल होता जा रहा है। क्या राय है आपकी इस वीडियो पर, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी करें, इसे सादा सादा सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, नोटिफिकेशंस भी ऑल पे सेलेक्ट कर दें।